आज का ब्लॉग हम यहाँ से अपना स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू हफ्सा ब्लॉग। अर्चन है, अब हम उठ गए हैं और क्या कहते हैं नाश्ते की तैयारी करते हैं, तो चलें नाश्ता बनाते हैं। ये यहाँ मैं पराठा सेक रही हूँ और यहाँ मेरी चाय तैयार। यहाँ मैंने जल्दी जल्दी मैंने कहा जल्दी पराठा सेक लो क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है और गर्मी में खड़ा नहीं हो जा रहा। लाइट वालों ने वैसे ही ज़िंदगी भर समझा अजाब कर दिए, लाइट जाना आना तीन तीन चार चार घंटे बंद कर रहे हैं। लाइट कोई बात ही नहीं है लाइट वालों के लिए, तो हम तो ऐसे इंसान हैं ही नहीं, सिर्फ एक लाइट वाले हैं वही इंसान है। चलें फिर मिलते हैं नाश्ते पे। यहाँ पर मैं अपना पराठा लेकर तैयार हो गया था और लेकर आ गई थी नाश्ता, यहाँ पर हम लोग कर रहे थे। अच्छा मेरा जो पराठा था आज बहुत ही अजीब बना था गर्मी की वजह से, ये धूप में बाहर जा रहे हैं सहन में, और इसको सहन में बस खेलना है बैठना है, पत्थर वगैरह वहाँ पे है ना, बस उससे उसको खेलना है, सोने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसका सारा ऐसे सहलाओ ना और इसको बस थपको तो ये सो जाता है, मेरा मासूम बच्चा। अच्छा आज मैंने ना अरबी गोश्त बनाया था चिकन में, तो यहाँ पर मैंने ना वो रिकॉर्ड करना मैं भूल गई थी, तो मैंने प्याज को ब्राउन कर लिया था और उसमें पिसी मिर्चे और क्या कहते हैं हल्दी और पिसा धनिया नमक और मैंने अरबी डाल दी थी और फिर पानी डाल के मैंने छोड़ दिया था इसको। और यहाँ पर फिर मेरी जो अरबियाँ थी वो थोड़ी गल गई थी और फिर मैं यहाँ पर चिकन डाल रही थी, चिकन डल गई थी। अच्छा ये मैंने फ़र्स्ट टाइम मैंने बनाया था तो मुझे इतना आइडिया नहीं था कि ये कैसे बनता है, तो बस मैंने बना लिया था जैसे भी मुझे आया, तो यहाँ पर मुझे आइडिया नहीं हुआ और मेरी जो क्या कहते हैं अरबियाँ थी वो बहुत ज़्यादा गल गई थी। और आगे जाके आपको पता चलेगा कि इस सालन का हाल क्या हुआ था, तो वो जो थी अरबियाँ थी वो घुल गई थी सी के अंदर, हल हो गई थी, तो वो गाढ़ा हो गया था मेरा जो था। तो मैंने गोश्त में ही पकाया है हमेशा, तो वह गोश्त में ऐसा मतलब पका है क्या कहते हैं चिकन में मैंने कभी बनाया नहीं है, ट्राई नहीं किया तो मुझे आया भी नहीं, बस मैंने आज ट्राई किया, मैंने कहा ट्राई करते हैं, तो वो कुछ ऐसा बना। फिर मैंने दही डाल दी थी इसमें, चिकन मेरी हो गई थी, फिर इसमें मैंने जो दही डाली फिर उसने अपना पानी जो छोड़ा और फिर ये बुनाई पर आ गया था, तो फिर मैं यहाँ पे बुनाई कर रही थी। और ये देखें ये सारी मेरी जितनी भी अरबियाँ थी वो सब घुल चुकी थी, बहुत ज़्यादा कम बची थी इसके अंदर, तो मैंने इसको ज़्यादा मैंने इसकी जो बुनाई थी वो बहुत हल्के हाथों से मैंने की थी, ज़्यादा मैंने इसकी बुनाई भी नहीं की थी। और ये इतना येलो कैसे हो गया, तो इसमें हल्दी जो थी वो थोड़ी ज़्यादा हो गई थी, तो इसलिए ये इतना येलो येलो आपको ना लग रहा है। और जिस दिन मैं गोश्त में बनाऊंगी ना अरबी गोश्त, तो उस दिन मैं आपको रेसिपी आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। यहाँ पर तो बस मेरी जो अरबी का हाल हुआ था ना, बस पूछे नहीं कि क्या हुआ था। और जब फिर थोड़ी बुनाई हो गई थी मैंने हरी मिर्ची तो इसमें डाली दी थी और फिर मुझे याद आया गरम मसाला, तो वो मैं बस इसमें डाल दी थी गरम मसाला, और एक हाथ से शूट करना और एक हाथ से क्या कहते हैं बुनाई करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, तो मैंने मोबाइल रख दिया था। और फिर उसके बाद मैंने एक गिलास छोड़ के इसको जोश दे दिया था और मेरे पास हरा धनिया ख़त्म हो गया था, यहाँ पर मैंने खाना खा लिया। का व्लॉग हम यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग। और यहाँ पर मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ, लाइक करना शेयर करना मत भूलिएगा।